अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो 5,000 दिरहम तक जो है वो कैश नाउ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। कैश नाउ बेसिकली क्या है कि आपको यूएई में अगर आप लोग रहते हैं और आपके पास आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कैश नाउ आपको हेल्प करता है, 5,000 दिरहम तक देता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी स्टार्ट होती है 1,500 से। आप वो रीपे करेंगे तो स्लोली स्लोली ये इंक्रीज होकर 5,000 दिरहम तक जाती है। अब इसकी लिमिट जो है वो 10,000 दिरहम तक आ गई है। सो आपका पासपोर्ट जो है वो सिक्स मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास एम्बेसी आईडी होनी चाहिए और एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर आप कैश नाउ में जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। होपफुली आप समझ चुके होंगे कि कैश नाउ कैसे काम करता है। कैश नाउ की आपने ऐप डाउनलोड करनी है, स्क्रीन पे चलते हैं, काम करना है। सबसे पहले आप ऐप स्टोर पे चले जाएं। ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जाके लिखना है कैश नाउ, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड में भी आपने कैश नाउ लिखना है, यहाँ पे भी आपने कैश नाउ लिखना है। टॉप पे आपको कैश नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऐप है, सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रही है, ये कैश नाउ की ऐप है ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने ओपन पे जाना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा होम पेज। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, मैंने डाउनलोड की हुई है, तो डाउनलोड के बाद आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम अमाउंट बारो जो है मैं कर सकता हूँ 5,000 दिरहम, 3 महीने के अंदर जो है वो मुझको उनको रिटर्न करना होगा। डिपेंड करता है, वो 6 महीने का भी टाइम आपको देते हैं। तो अब इसको मैंने एक्टिव करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक्टिव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। सो जैसे ही आप नंबर डाल के एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास होम पेज आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि सबसे पहले वो मुझे कितनी ऑफ़र कर रहे हैं, 1,500 दिरहम की। सो 1,500 दिरहम की मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट मुझे 3 मंथ में पे करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 मंथ में मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। प्रोसेसिंग फ़ी 105 दिरहम है और टोटल मुझे इनको पेमेंट कितनी करनी है, 1,635 दिरहम इनको मुझे करना है, ठीक है। इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% है। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं तो आपको मंथली इस तरह की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। सो आप देख सकते हैं 545 दिरहम मुझे पर मंथ इनको पे करना है। उसके बाद सेकेंड मंथ में उनको मुझे इस डेट को 545 और थर्ड मंथ को मुझे इनको 545 पे करना है। सो इंटरेस्ट रेट तो हाई है, लेकिन ये कि आपको अर्जेंट मिल जाते हैं। अगर आप ये इनको रीपे करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 3,000 का। अगर फिर आप उनको 3,000 जब वापस पे करेंगे तो आपको 5,000 का ऑप्शन मिलेगा। सो ऐसे करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली टेक मनी। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के ऊपर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर नज़र आ रहा है बेसिक, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ऑथराइजेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। अभी हम बेसिक में हैं। सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आपने क्लिक करना है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, होटलिंग में काम कर रहे हैं, जूस में आप काम कर रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है मंथली सैलरी कितनी है आपकी। मंथली सैलरी आपकी 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, कोई मैटर नहीं करता, आपने वो सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने 1,000 सेलेक्ट कर दिया। आप 1,000 से 3,000 तक कर सकते हैं, 3,000 से 5,000 तक कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट का। सैलरी आप नीचे देखें, सैलरी डेट आपको नज़र आ रही है। सैलरी डेट पे आपने कौन सी डेट को सैलरी आती है, 4 तारीख को आती है, 1 तारीख को आती है, 31 को आती है, आप वो डेट मेंशन कर दें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि नीचे कॉन्टैक्ट आप किस एमरेट्स में, अबू धाबी में हैं, शारजा में हैं, जिसमें भी आपने हैं उस एमरेट्स को आपने टिक कर देना है, ठीक है। और टिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपने रिलीजन डालना है, इस्लाम है आपका। उसके बाद आपने अपना अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर डालना है। अब हम देखें सेकंड कॉन्टैक्ट पे आ गए हैं। आपके पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछेगा, आपने इसमें कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी है। एक आपने अपने फ्रेंड का डालना है, एक आपने किसी भाई का डाल देना है, ठीक है, कोई भी आपका है। तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना है। लोग मिस्टेक करते हैं, उनका लोन इसलिए अप्रूव नहीं होता क्योंकि वो बंद नंबर डाल देते हैं। तो मेक श्योर करें कि नंबर बंद नहीं होना चाहिए, आपका नंबर ऑन होना चाहिए ताकि आपका आगे जा सके। और प्लस आपकी एमरस आईडी और पासपोर्ट आपका एक्सपायरी से 6 महीने से ज़्यादा डेट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोगों का इसलिए ही रिजेक्ट होता है, वो कहते हैं हमारा रिजेक्ट हो गया। एक बार रिजेक्ट होता है दोबारा आप अप्लाई करें, लेकिन आपकी एमरस आईडी वैलिड होनी चाहिए 6 मंथ, पासपोर्ट आपका जो है वो वैलिड होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा उसकी एक्सपायरी डेट रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप नीचे जाके क्लिक करें और उसमें आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है अपना। लास्ट ऑप्शन आपको बैंक अकाउंट आएगा, आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है आप उसको ऐड करें, क्योंकि पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने हैं तो एक्सचेंज पर आपको नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट आपने कैसे बनाना है
लिए भी मैंने एक वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर जो है वो डाल दी है। हिलाल बैंक में आप बना सकते हैं, आप ADCB बैंक में बना सकते हैं, वो वीडियो भी आप जाके देखें, मैं पिन कर देता हूँ नीचे, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सो ये इजी स्टेप है, ऐसे आपने कैश नाउ पे अप्लाई करना है लोन, पहले 1500 दिरहम, फिर आपको 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा अगर आप ये रीपे करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है और इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो फॉलो मी फॉर मोर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।